रामलीला। उत्तरी भारत में परंपरागत रूप से खेला जाने वाला राम के चरित्र पर आधारित नाटक है और भारत में कई जगहों पर इसका मंचन किया जाता है। राजस्थान में झुंझुनू जिले के बिसाऊ कस्बे की मूक रामलीला दुनिया में अपनी अलग पहचान रखती है। बिना संवाद बोले संपन्न होने वाली यहाँ की रामलीला शायद दुनिया में अपनी तरह की एकमात्र रामलीला है। जयपुर से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी जगह जो लगभग 180 साल से ज़्यादा पुराना इतिहास समेटे हुए है। नमस्कार, मैं अभिजीत और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़। और आज हम आए हैं राजस्थान के एक ज़िले झुंझुनू के एक छोटे से कस्बे में, जहां के लिए कहा जाता है यहां की रामलीला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और जिस जगह पर हम खड़े हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एक शहीद की स्मारक, और शहीद का नाम है रामस्वरूप सिंह। और कमाल की बात यह है कि पूरे झुंझुनू ज़िले में सबसे ज़्यादा शहीदों की संख्या पाई जाती है, और अगर संख्या की बात करें तो वो है लगभग 500 के आसपास। इस रामलीला की खासियत यह है कि करीब करीब सभी जगह रामलीलाएं नवरात्रा स्थापना से शुरू होकर दशहरे या उसके अगले दिन राम के राज्य अभिषेक प्रसंग के मंचन से पूरी हो जाती है, लेकिन बिसाऊ की रामलीला का मंचन पूरे एक पखवाड़े का होता है। हम पहुंच गए हैं झुंझुनू जिले के एक कस्बे में जिसका नाम है बिसाऊ, और यहां पर होती है मूक रामलीला, इसका जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और इसके लिए कहा जाता है कि यहां पर किसी भी तरह का संवाद नहीं होता, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ कलाकारी से और इस तरह के नाट्य से ये दिखाया जाता है कि रामलीला किस तरह से मंचन किया जा रहा है रामलीला का। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी सुरपनखा की नाक काटी गई है, और नाक काटने के बाद में अभी खरदूषण का और राम लक्ष्मण का युद्ध चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे मंचन किया जा रहा है। लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, लोग जुटे हैं देखने के लिए। छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक यहाँ पर जुटे हैं, और रामलीला का यहाँ पर मंचन किया जा रहा है। पूरे जोर शोर से यहाँ पे युद्ध चल रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर रामलीला में किसी प्रकार का डायलॉग नहीं बोला जाता, किसी प्रकार का संवाद नहीं किया जाता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ नाट्य में और इसी तरीके से इसको दर्शाया जाता है। रामलीला में सातवें दिन लंका के पुतले का दहन किया जाता है, बाद में कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन होता है। दशहरे की बजाय पूर्णिमा के एक दिन पहले यानी चतुर्दशी को रावण के पुतले का दहन किया जाता है। भरत मिलाप प्रसंग के साथ पूर्णिमा को रामलीला का समापन होता है। कलाकार मुखौटे लगाकर मैदान में नर्तन करते हुए शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक रामलीला का मंचन करते हैं। तो यहाँ पर मूक रामलीला में जैसा कि आप देख सकते हैं अभी खरदूषण और राम लक्ष्मण का युद्ध चल रहा है, और हमारे साथ यहाँ पे पंडित जी मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? पंडित सुनील शास्त्री। पंडित जी, यहाँ पे अभी जैसे कि मूक रामलीला है, किसी प्रकार का संवाद नहीं होता है, तो अभी फिलहाल ये क्या चल रहा है, क्या कौन सा संवाद? आज हमारे विश्व प्रसिद्ध बिसाऊ की मूक रामलीला में चौथा दिन की लीला का मंचन किया जा रहा है, जिसमें भरत जी द्वारा राम जी को पादुका दान की है, और भरत जी अयोध्या वापस लौटे हैं, और वो भी वनवासी की तरह अयोध्या के बाहर डेरा डालकर बैठे हैं। जब तक राम जी गद्दी पे नहीं बैठेंगे मैं भी नहीं बैठूंगा। अभी ये जो मंचन किया जा रहा है जैसा कि हम देख सकते हैं, तो ये मंचन किस चीज का हो रहा है? और अभी जो लीला चल रही है ये खरदूषण और तीसरा जो सुपनखा के भाई है उनके साथ भयंकर युद्ध चल रहा है। कारण क्योंकि सुपनखा राम जी को देखकर मोहित हो गई थी, और वो उनसे विवाह के लिए बोली तो लक्ष्मण ने उनका कुरूप कर दिया, नाक काट दिया, जिसके कारण ये युद्ध हो रहा है। तो आइए आपको सीता जी से मिलवाते हैं। जी, क्या नाम है आप? हर्ष। सीता का रोल कर रहे हो हर्ष? 2 साल। कब से कर रहे हो? 2 साल से। 2 साल से सीता का रोल कर रहे हो? हाँ। क्या समझ आता है यहाँ पे, क्या किस तरीके से चीजें समझ में आई, सीखने को मिल रहा है? पहले तो मुझे ये बताओ तुम्हारी उम्र क्या है? मेरी 15 साल। 15 साल के हो। क्या समझ में आया? क्या समझ में आता है यहाँ पे? सुन रहा नहीं है। कुछ सीखने को मिलता है? हाँ। सीखते हो? रामायण समझ में आ रही है? बहुत समझ में आती है। दर्शकों को क्या लेसन देना चाहोगे, क्या कुछ बताना चाहोगे?
ये रामलीला है ना, बहुत पहले से हो रही है और बहुत अच्छी लगती है यहाँ। इससे बहुत मोटिवेशन भी आता है, इससे अपने रिलेशन के बारे में समझना भी पड़ता है। तो आइए आपको आज भरत जी से मिलवाते हैं, जो भरत का रोल यहाँ पे निभा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर शर्मा। भरत का रोल निभा रहे हो? हमारी रामलीला 15 तारीख से स्टार्ट हुई थी और पिछले साल किसी और का रोल था, और हमारे से छोटे बड़े लोग जुड़ते रहते हैं। मेरी उम्र 13 साल की है और अगली बार पता नहीं हम किसके साथ कोई भी रोल मेरे को मिल सकता है, ज़्यादा चांस लक्ष्मण बनने के हैं। कितने कलाकार हैं यहाँ पे टोटल, जो यहाँ पे कितने कलाकार हैं जो कलाकारी दिखा रहे हैं? लक्ष्मण में मानव शर्मा और पीयूष, और राम में भी कितने कलाकार हैं? नाम तो काफ़ी सारे हो जाएंगे अगर हम पूछेंगे तो, कलाकार कितने हैं? रावण की सेना में 5 और यहाँ पे रामदल से 2 है। रावण की सेना में कितने कलाकार हैं? 5। 5 कलाकार रावण के? 3 जने हैं यहाँ पे दल, मैदान में तो 3 ही है। मैदान में 3 जने हैं, तो मैं मान के चलूँ लगभग 10 से 15 कलाकार यहाँ पे मैदान में अभी उपस्थित हैं। एक और कलाकार हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? मधुसूदन मिश्रा। किसका रोल कर रहे हो? मैं इस रामलीला में शत्रुघ्न का रोल कर रहा हूँ। शत्रुघ्न का रोल कर, कब से कर रहे हो? मेरा ये फर्स्ट ईयर ही है। कौन सा? पहला साल ही है ये, पहला साल ही है। और यहाँ कब से हो रही है? छोटे छोटे कलाकार हम देख रहे हैं, तो आप कब से देख रहे हो उसको? की मैं बचपन से देख रहा हूँ, हो गए 7-8 साल हो गए मेरे को यहाँ पे। कुछ समझ आया, सीख रहे हो इससे कि क्या है? हाँ सीख रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये जो रामायण का होता है पूरा बताया जाता है। रामायण आ गई समझ में कि क्या है? हाँ थोड़ी थोड़ी आई है, थोड़ी थोड़ी आई है। कुछ ऐसे कलाकार भी हमारे साथ यहाँ पे है जो इस मंचन में तो नहीं है लेकिन इस मंचन में पूरा साथ दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पिछले 15 सालों से यहाँ पर ढोल बजा रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आप? मेरा नाम पवन कुमार। क्या करते हैं पवन जी? हाँ क्या करते हैं आप? हम फैक्ट्री में काम करते हैं, स्लीपर वाली फैक्ट्री में। यहाँ पे क्या रोल है आप? हैं यहाँ पे क्या रोल है आपका? हमारा ढोल बजाने का ही काम है। ढोल बजाने का काम कब से बजा रहे हैं? 15 साल से। 15 साल से आप ढोल बजा रहे हैं आप? क्या समझ में आया, क्या कुछ चीजें दिखने को? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा समझ में आता है, अच्छा प्रभाव चल रहा है, सब अच्छा एक अच्छा हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ हैं, सारे लोग देखने को मिल रहे हैं, तो क्या कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे? अच्छा ठीक लग रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है। ये जो रामलीला आप देख रहे हैं जिसका मंचन हो रहा है, इसका ये जो भी चीज़ें संभव हो पाई है, इसके पीछे कई ऐसे चेहरे हैं जिनके प्रयासों के बिना ये सब कुछ हो पाना मुमकिन नहीं था। हमारे साथ यहाँ के अध्यक्ष मौजूद हैं जिनका नाम है कपलेश जी, आइए इनसे बात करते हैं। कपलेश जी, किस तरीके से क्या मंचन हो रहा है, कैसे व्यवस्थाएं करवाते हैं, क्या रहता है, सारी चीज़ें एक बार इसके बारे में। मैं सबसे पहले तो नगरी मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज इतनी दूर से हमारे बिसाऊ नगरी में पधारे हैं, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। अब मैं बता देना चाहूँगा हमारे यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर के रूप में यदि हमारे पास में कुछ गर्व करने लायक है तो वो है हमारे यहाँ की बिसाऊ की विश्व प्रसिद्ध मूक रामलीला। पूरे देश में रामलीला होती है लेकिन वो सारी मंच पर आयोजित होती है, हमारे यहाँ की मूक रामलीला किसी भी मंच पर नहीं आयोजित होती। दंगल बनाया जाता है, युद्ध लड़ा जाता है और केवल मूकाभिनय के द्वारा इसके हर पार्ट अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। पूरा नगर ही नहीं अभी तो दूर देश से भी सैलानी भी यहाँ देखने के लिए इस रामलीला को देखने हर साल आते हैं। ये रामलीला पिछले 200 सालों से यहाँ आयोजित हो रही है और यहाँ का प्रत्येक नागरिक, यहाँ का प्रत्येक परिवार इस रामलीला मंचन से जुड़ा हुआ है। जैसे मैं मेरे पर ही ले लूँ, मेरे दादाजी आदरणीय श्री रामदल जी पुजारी जो इस मूक रामलीला के वर्षों तक अध्यक्ष रहे थे, फिर मेरे पिताजी पंडित गौरीशंकर शर्मा जिन्होंने वर्षों तक इस रामलीला की अध्यक्षता की और सफल संचालन किया, उसके बाद मैं स्वयं भी इस रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने अभिनय भी किया है और साथ ही आज मैं इस रामलीला को संचालित भी करवा रहा हूँ। अभिनय आप कब से कर रहे हैं यहाँ? मैं लगभग पिछले 25 वर्षों से अभिनय कर रहा हूं और साथ ही आज इस रामलीला को संचालन में भी मेरी पूरी भूमिका अदा करता हूं।
इसके अलावा आज बिसाऊ के यहाँ वासी नहीं अपितु प्रवासी गण भी इस रामलीला से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। वो हर साल आर्थिक सहयोग के साथ साथ स्वयं आते हैं और आकर के इस रामलीला का सफल आयोजन करते हैं। जैसे हमारे भामाशाह कमल पोदार जो एक मल्टीनेशनल च्वाइस कंपनी के मालिक हैं, कई विदेशों में उनके व्यापार हैं, उसके बावजूद भी वो डायरेक्टली इस रूप इससे इस रामलीला से जुड़े हुए हैं। अभी वो दशहरे के दिन आएंगे और चार दिन तक यहीं रह करके इस रामलीला को जीवन दान दे करके इसे ऊंचाइयों पर उठाएंगे। और इसी प्रकार से पिछले साल उन्होंने इस रामलीला की एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करवाई, उस डॉक्यूमेंट्री का की लॉन्चिंग भी दशहरे के दिन हम लोग यहाँ करेंगे, जिसमें पूरा नगर यहाँ एक साथ एकत्रित होगा और उसके बीच उस डॉक्यूमेंट्री को हम रिलीज करेंगे। तो एक बात और सुनने में आई है कि रामलीला का जैसे होता है मंचन होता है, 9 दिन चलती है, उसके बाद दशहरे पे रावण दहन कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे दशहरे के दिन रावण दहन नहीं करके चतुर्दशी के दिन रावण दहन होता है, ये क्या? बिल्कुल सर, पूरे विश्व में या पूरे देश भर में जहाँ भी रामलीला आयोजित होती है, दशहरा को रावण दहन हो जाता है, रामलीला समाप्त हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ 200 साल पहले से जो परंपरा बनी हुई है, आज नहीं कायम की हमने, प्राचीन काल से हमारे पूर्वज जैसे करते आए हैं। दशहरे को हम यहाँ मेघनाथ कुंभकर्ण चार पुतले जलाते हैं, चार पुतले जलाए जाते हैं और चतुर्दशी को फिर रावण दहन होता है और अगले दिन पूर्णिमा को यहाँ राम राज्याभिषेक का राजतिलक होता है। पूरे देश में पूरे नगर में और राज्याभिषेक की झांकी निकाली जाती है। जैसा कि इन्होंने बताया कि रावण दहन के बाद में राज्याभिषेक होता है और राज्याभिषेक के बाद में राजतिलक किया जाता है और पूरी नगरी में झांकी निकाली जाती है। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ अभिजीत शर्मा, नगरी न्यूज की रिपोर्ट। शेखावाटी की धरोहर और बिसाऊ कस्बे के गौरव इस रामलीला को अगर राजस्थान सरकार और पर्यटन विभाग संरक्षण देकर विश्व के पर्यटन मानचित्र में शामिल कर ले तो बिसाऊ कस्बा प्रदेश का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकता है।